काम कंटिन्यू करेंगे आज, क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, एक तो लाइट के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लाइट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, क्या किया था? तो आज जो है इसका थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर थ्री, क्या है? पार्ट नंबर थ्री में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, किसके बारे में? लॉज ऑफ अक्स बनता है तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके लाभ, उसके जवानी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे टॉपिक में उस चैप्टर में। ओके, यहाँ पे कंसंट्रेट रखो वाइट बोर्ड पे। टू माजा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? हेलो, कहाँ देख रहे हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो हैं। नंबर वन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Number two. The incidence rate is normal to the mirror, to the at the point of incidence, at the always in the same place. These laws of reflection, these laws of reflection are applicable to all type of reflecting surface. Are
applicable to all type of reflecting surface including spherical surface, including spherical surface, okay? ये हैं, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दो जो हैं लॉज है, लॉज ऑफ या फिर ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला क्या है, द इमेज इज इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जो इमेज बनती है ना वो किसके बराबर होती है, यहाँ पे रोशनी पड़ती है और जगह का जो जाविया जो अक्ष बनता है वो कार्तिक के जाविये के बराबर होती है, ओके. उसके बाद द इंसिडेंस रेज इज नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected rays all lie in the same plane, okay. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surface. Akashi ke liye jo kanun is tarah ki akashi wali satah par lagu hote hain, okay. Aur isme curvy satah bhi shamil hai, yani spherical jo surface hoti hai wo bhi isme shamil hoti hai, okay. राइट डाउन नोट कर लीजिए, काफी मेंटेन करते हैं ना अच्छी तरह, तो उसको नोट कर ले आप, अपनी राफ पे कर ले, फिर काफी इसको घर में जाके मेंटेन करना अच्छी तरह.